माय नेम इज मनोज। मैंने साइंस 10th क्लास में ली थी, लेकिन मेरे को साइंस मेरा लेने का मेन एम यही था क्योंकि मैं मेरे को रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता था चीज़ों को, तो मेरे को साइंस मैंने इसलिए ली थी ताकि मैं समझ सकूँ और रट्टा ना मारना पड़े, ताकि इजिली मैं मतलब साइंस के फील्ड में कुछ ना कुछ करना ही चाहता हूँ। और साइंस मेरा लेने का एम था, मैंने साइंस ले तो ली, अब मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो मैंने टर्निंग पॉइंट ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को बताया किसी ने टर्निंग पॉइंट, एक तो अगर आप ऐसी कोई दिक्कत है ना, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह होती है हमारी कुछ, तो फाइनेंशियल कंडीशन की अगर आपके अंदर गट्स है, आप कुछ कर सकते हो साइंस में, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, टर्निंग पॉइंट बेस्ट इंस्टीट्यूट है एक नंबर की। अगर मेन तो दिक्कत मेरे को साइंस में थी फिजिक्स, मैंने ले ली 10th क्लास में, अब मेरे फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, तो यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ पर जो भी सर हैं, फिजिक्स एक नंबर का पढ़ाता है, मस्त पढ़ाते हैं फिजिक्स। अगर आपके नहीं समझ में आएगा ना, तो बेसिक बिल्कुल क्लियर करके लेके चलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्वेश्चन कैसे कर दिया, और बड़े बड़े पेपरों के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो मेन एम क्या है, अगर साइंस लिए तो आपने तो साइंस का कम से कम रिस्पेक्ट करो, कुछ करने के लिए आगे साइंस लेके चल रहे हो तो अपने इंडिया के लिए कुछ तो करो भाई, बाहर बाहर जाके क्या मिलना तुम्हें, इंडिया को आगे भी तो लेके चलना तुम्हें। तो मेरा एम क्या है, रिसर्च लाइन में जाना है, जो रिसर्च नहीं हुई है इंडिया को वो सारी हमारे को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। तो मेरा मेन तो एम साइंस लेने का ये है कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है जिसकी वजह से मेरे को बाहर के देश के लोग हैं जो जरूर एक बार मेरे को याद जरूर करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं विश्वास होता कि नहीं भाई, एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर गट्स से आप कुछ करना चाहते हो, टर्निंग पॉइंट जरूर ज्वाइन करो, अच्छी है, इधर की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। अगर मैथ्स में दिक्कत हो रही है, फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, बायोलॉजी में एक नंबर का इंस्टीट्यूट है, अच्छा पढ़ाएंगे आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हमेशा आप बेस्ट करोगे अपना और क्लास में अच्छे रहोगे। थैंक यू।